हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द होम एकेडमी। हम JKSSB का जो टीचर का आज जो 20 मई को पेपर हुआ है उसे सॉल्व कर रहे थे। हमने जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए थे। ये सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। इसमें हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी इश्यू होगा, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो मैं है वो करेक्ट नहीं मैंने कहा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन है, विच रूलर अमॉन्ग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन वार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वो कौन से रूलर हैं जिन्होंने पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल किया था वार में? तो उस रूलर का नाम है बाबर। पानीपत की लड़ाई में उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 द डॉक्ट्राइन ऑफ द लेफ्ट वॉज एबॉलिश्ड एंड लेटर इन द ईयर 1858 हु टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो रिवोल्ट हुई थी 1857 में, उसके बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसे अबॉलिश किया गया एंड लेटर उसके बाद इन द ईयर 1858 हु टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को फिर कौन कंट्रोल करने लगा? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया लेटर इन द ईयर 1858 टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1942 मूवमेंट। तो वो क्या करेक्ट रिएक्शन था पूछा गया है ब्रिटिश का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो उनको उनकी जो मूवमेंट चल रही थी 1942 में, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस वॉज अलाउड टू स्प्रेड मूवमेंट सॉफ्टली बाय द ब्रिटिश। ऐसा तो नहीं था, ये करेक्ट नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एन इलीगल एंड बैंड देयर एक्टिविटीज़। सेकेंड चॉइस जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो सकती है क्योंकि 1942 में मार्च की बात थी। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैरिड आउट नेगोटिएशन विद द कांग्रेस सीकिंग द सपोर्ट फ्रॉम द इंडियंस फॉर ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो कांग्रेस सॉट द इमीजिएट एंड द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द पावर, बट द नेगोटिएशन विच केम टू एन एंड ऑन अप्रैल 11, 1942 फेल्ड एज द ब्रिटिश डिड नॉट एग्री टू द डिमांड। ब्रिटिश डिमांड को एग्री नहीं किया, इसलिए यह क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। बट एक ट्राई तो की थी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2060 BC कलिंगा वार वॉज फाउट बिटवीन द किंग कलिंगा एंड। तो मैंने एक वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखिए आज भी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस वीडियो में सारे कवर किए मैंने, जितनी भी वार्स हुई है सारी की सारी बैटल मैंने कंप्लीट की है। तो कलिंगा वार के बारे में भी मैंने उसमें डिस्कस किया था और ये भी बात कही थी कि किससे लड़ी गई। इन 260 BC कलिंगा वार वॉज फाउट बिटवीन द किंग कलिंगा एंड और किंग कलिंगा और अशोका के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द कंडीशन ऑफ जूनागढ़ स्टेट एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम जो जूनागढ़ स्टेट थी उसकी क्या कंडीशन थी? देखिए पहला ऑप्शन जो है वाज रूल्ड बाय ए मुस्लिम नवाब, मुस्लिम नवाब वहाँ पर रूल कर रहे थे। सेकंड ऑप्शन मेजॉरिटी वाज द मुस्लिम पॉपुलेशन। थर्ड ऑप्शन नवाब ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान फॉर अलायंस। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो सकता है आपका, देखिए पहला जो ऑप्शन है वाज रूल्ड बाय ए मुस्लिम नवाब, ये बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ पर मुस्लिम नवाब रूल कर रहे थे। और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, ऐसी बात नहीं है, मेजॉरिटी वाज हिंदू पॉपुलेशन। थर्ड जो नवाब ऑप्टेड पाकिस्तान फॉर अलायंस, जो वहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ए और सी। तो आपका यहाँ पर जो मेरे पास है उसमें बी है, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट दिल्ली। तो पूछे गए हैं रिवोल्ट के लीडर दिल्ली में कौन थे। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये जो दिल्ली में उस टाइम रिवोल्ट के लीडर थे, एक तो बहादुर शाह और दूसरे जनरल भक्त खान। तो ये दो लीडर थे दिल्ली में जो कि रिवोल्ट को लेट कर रहे थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो सिर्फ बहादुर शाह सेकंड है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया वेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. ये क्वेश्चन भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था. मैंने एक वीडियो बनाई थी, दो वीडियोज़ बनाई थी इस पर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसरॉयज ऑफ इंडिया, तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश. तो उस वीडियो में हर किसी का कहा था कि इस गवर्नर का ये काम है, इस गवर्नर के वक्त ये ऐसा हुआ. तो यही पूछा गया है क्वेश्चन, हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया वन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. तो उस टाइम जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो. वो 1936 से 1944 तक रहे. और आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में शुरू हुआ था, तो 40s में ही शुरू हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू इंडिया इंडिपेंडेंस. तो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी, एज अ स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब दुनिया सोएगी, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू इंडियन इंडिपेंडेंस. इस स्टेटमेंट को देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा. जो मेरी सीरीज है उसमें ये सी दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड मिरातुल अकबर पब्लिश्ड इन पर्शियन इन द ईयर 1822. मिरातुल अकबर न्यूज़पेपर है, इसे पब्लिश किसने किया, इसके फाउंडर कौन थे, ये पूछा गया. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड मिरातुल अकबर पब्लिश इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था 1822 में. ठीक है, तो उसे पब्लिश करने वाले थे राजा रामन रहे, एडिटर भी थे और फाउंडर भी यही थे, मिरातुल अकबर जो थे राजा रामन राय ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल द पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त जो है पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, चार शहरों में चल रही थी उस टाइम. तो पूछा गया है बंगाल में जो गवर्नमेंट चल रही थी वेस्ट बंगाल में, वो बंगाल के किस हिस्से में चल रही थी. तो मैं यहाँ पर बता चलूँ, कोलकाता में नहीं चल रही थी, नाडिया में नहीं चल रही थी, मालडा में नहीं, मिडनापुर. ठीक है, तमलुक जो था एरिया बंगाल का, मिडनापुर यानी के वहाँ पर ये गवर्नमेंट चल रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस लीडर ऑफ डैट पीरियड मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. किन वजहों से जो पार्टीशन है वो एक्सेप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. तो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंस इट वॉज इम्पोज बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश ने इम्पोज किया था. सेकंड, टू पुट एन एंड ऑफ द कॉमनवेल्थ वायलेंस को एंड करना. थॉट टू डिफीट द जिन्ना इन वार. थॉट टू यूनाइट द कंट्रीज इमिजिएटली. तो पहला, सिंस इट वॉज इम्पोज बाय ब्रिटिश, ऐसी कोई बात नहीं थी. बी ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन, टू पिट एन एंड ऑफ द कॉमनवेल्थ वायलेंस को एंड करने के लिए, ये करेक्ट ऑप्शन है. बट बी के साथ जो डी पार्ट है, टू यूनाइट द कंट्री इमिजिएटली, ये भी करेक्ट है. वो इसलिए क्योंकि जो उस टाइम थी बहुत सी प्रिंसली स्टेट थी, उन्हें जोड़ना था, एक इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी थी, सारी की सारी प्रिंसली स्टेट को जोड़ना था. तो ये भी एक वर्क था कि जब ये कंट्री अलग हो जाएगी तो हम जो बाकी बची हुई हैं उन्हें हम यूनाइट करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है ओनली बी एंड डी, टू पुट एन एंड ऑफ द कॉमनल वायलेंस एंड टू डिफीट द एंड टू यूनाइट द कंट्री इमिजिएटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैटल अमंग द फ्लोइंग बॉट इंजीरियस सक्सेस फॉर द मुगल्स एंड ग्लोरियस डिफीट ऑफ द पावरफुल राजपूत रूलर महाराणा प्रताप इन द ईयर 1576. तो पहला ऑप्शन जो है बैटल ऑफ प्लासी, ये नहीं हो सकता है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, उनके जो अलाइज थे, फ्रेंच अलाइज थे, उनके बीच में लड़ी जा रही थी. तो दिए गए ऑप्शन को देखते हैं, जो ऐसे कि बैटल ऑफ प्लासी, तो मैंने कहा नहीं हो सकता. तो बैटल ऑफ, इसकी हमने जो वीडियो डाली थी उसमें इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री सारे कवर किए थे. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बैटल ऑफ हल्दीघाटी थी, वो मुगल और मराठास के बीच में लड़ी गई थी. क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हो रही थी, जिनमें मीर कासिम थे. 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर. तो ये नहीं हुआ ऑप्शन, हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी भी नहीं हो सकता.
जी हाँ, जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी है, मुझे याद आ गया, मैंने जो वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें मुझे याद था बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, मुगल्स और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, जो राणा ऑफ मेवाड़ थे, और उसमें मुगल्स की जो थी विक्ट्री हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा आपका, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ठीक है, वीडियो में हमने हिस्ट्री के जो मेरे को क्वेश्चन मिले वो मैंने कंप्लीट किए, तो नेक्स्ट जो होंगे आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, और अपने हमारे फेसबुक से पेज से जुड़े रहे, हम उस पे आंसर की जो है वो अपलोड करेंगे। फेसबुक पेज का लिंक जो है वो हमने कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।